हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस्कॉन के आज के इस कार्यक्रम में इस्कॉन के चेयरमैन पूज्य संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इसी क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय सांसद और देश की प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत को एक नई ऊंचाइयां दी अपनी कला के माध्यम से, ऐसी माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, हमारे माननीय विधायक गण श्री पूरन प्रकाश जी, श्री मेक श्याम सिंह जी, राजेश चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर और इस्कॉन के ही एक अभिन्न डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष श्री रविकांत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस्कॉन से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज इस्कॉन के इस कैंपस में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए यहां के चेयरमैन समेत डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष सम्मान्य श्री पंचगौड़ दास जी और उनकी पूरी टीम को इस पूरे आयोजन को यहां पर आयोजित करने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीलाओं से ये पूरा क्षेत्र 5000 वर्ष के बाद भी उसी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, जहां की रज रज में बांके बिहारी की भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, राधा रानी का दर्शन यहां का वासियों पूरे देशवासियों को होता है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ की इस भव्य प्रतिमा की इस भव्य मंदिर में उनकी प्रतिमा रखी गई, भव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर भी संपन्न हुआ है और साथ ही साथ गो सेवा का एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र दुग्ध प्रशिक्षण केंद्र का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से इस्कॉन को बधाई देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी और हम सब जानते हैं भक्ति वेदांत तो स्वामी श्री शील प्रभुपाद जी महाराज एक सन्यासी थे। हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने इस्कॉन
अर्थात कृष्ण भावना भावित संघ की स्थापना की। स्वामी जी का जन्म तो बंगाल में हुआ था 1896 में, और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को अपने पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आदेश पर उन्होंने दुनिया के अंदर इस आंदोलन को फैलाने का काम किया, जिसके माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना, और उसके माध्यम से उन्होंने दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला को, उनकी भक्ति के प्रचार प्रसार के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के सही भाव को, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इस भाव को आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने उस समय किया था, आज भी उनके अनुयायी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और कई ज्यादा ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने समय में दुनिया के अंदर 108 से अधिक मंदिर बनाए, और आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों की संख्या में इन मंदिरों की स्थापना के साथ ही श्री कृष्ण की भक्ति और उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। आज वृंदावन में भी 1976 में जिस गुरुकुल की स्थापना हुई थी, भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल, यहां पर कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है, और यहां पर दो नई कड़ी जुड़ी है, एक भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम जी की भव्य प्रतिमा मंदिर में स्थापित होने के कार्यक्रम के साथ आज हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, और दूसरा यहां पर दुग्ध प्रसंस्करण का एक केंद्र हम सबको देखने को मिला है, उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर हुआ है। मेरा ये मानना है, मैं यहां पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला है। भाइयों बहनों, अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को, पशुधन पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी, तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश, उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि गाय आज के दिन पर बड़ी मात्रा में, आपने देखा होगा कहीं भी आप जाएंगे, वे निराश्रित होकर के सड़कों पे घूमती है, किसी पे चोट लगती है, किसी को लोग नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत बार यही दंगों का कारण भी बनता है। ये गोवंश के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने तमाम उसके संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं चलाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने के द्वारा निराश्रित गौ आश्रय स्थल प्रारंभ किए गए, 9 लाख से भी गोवंश वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में हैं, जिनका हम देखभाल कर रहे हैं। हमने सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख से भी गोवंश किसान परिवारों को दे रखा है, और हर गौवंश के लिए 900 रुपये उन किसान परिवारों को हम देते हैं। कुपोषित परिवारों को भी हमने गाय, एक एक ब्याई हुई गाय दे रखी है कि वे इसकी देखभाल करें, 900 रुपये हर माह हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन इसे एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा,
न भारतीय नस्ल का गोवंश सुरक्षित रहे, इसके संरक्षण के साथ ही इसकी नस्ल को सुधार करने की दिशा में वेटनरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के हमें सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, दुग्ध लेने के साथ ही डेयरी स्थापित होने के साथ ही हर गांव में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से दुग्ध समितियों का गठन करना, जो दुग्ध कलेक्शन कर सके घर घर से, और दुग्ध कलेक्शन करने के साथ ही हमें इस कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि वह डेयरी में पहुंचे दूध जितनी खपत है उतनी दूध की खपत की पूर्ति करें। लेकिन दूध की एक छोटे समय तक ही आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, बहुत होगा 24 घंटे तक, 12 से लेकर 24 घंटे से अधिक तक दूध को रखना बहुत कठिन होता है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर हमें किसान की आमदनी को बढ़ाना है तो उससे ज्यादा दाम दही में मिल सकता है, बटर में मिल सकता है, मक्खन में मिल सकता है, घी में मिल सकता है, या दूध से बने हुए उन तमाम उत्पादों में उससे अच्छा दाम मिल सकता है। और इसलिए वैल्यू एडिशन के लिए आवश्यक है हम उसकी प्रोसेसिंग करें, और इस प्रकार की प्रोसेसिंग सेंटर को जो यहां पर इस्कॉन ने यहां पर स्थापित किया है, क्वालिटी के साथ ही हम उसके वैल्यू एडिशन के साथ उसको जोड़ देंगे तो कई गुना दाम हमारे पशुपालकों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक अच्छी शुरुआत है, इस्कॉन को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती तो वैसे भी भगवान की अवतार की धरती है, लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। भारत से गए हुए सन्यासी वैश्विक मंच पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज दुनिया के अंदर कई देशों में इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने भागवत धर्म की जो सेवा की है वो अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय है। और इसके लिए मैं इस्कॉन को धन्यवाद देता हूं, और स्वामी श्री प्रभुपाद जी को उनकी भागवत धर्म की सेवा के लिए नमन भी करता हूं। हम सबका दायित्व बनता है, ये धरती भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला भूमि तो है ही, ये गो सेवा की भूमि भी है। और गो सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो बात यहां पर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी भी कह रहे थे, खारा पानी है, मिट्टी नमकीन है, समाधान क्या है? समाधान दो ही है, बरसात के जल का संरक्षण करना, और दूसरा जो यहां पर उन्होंने उपयोग किया भारतीय नस्ल के गोवंश का जीवामृत और घनामृत का छिड़काव करके इस धरती को पूरी तरह किसी भी प्रकार के विष से मुक्त करने के लिए। वह नमकीन और खारा इसलिए क्योंकि विष का अंश उसमें इतना ज्यादा आ चुका है कि वह अब अपने को परिष्कृत करना चाहती है, शुद्धि करना चाहती है, और शुद्धि के लिए घनामृत और जीवामृत सबसे अच्छा माध्यम होगा। ये घनामृत और जीवामृत विशुद्ध रूप से आगे बढ़ सकता है, इस धरती के खारेपन को दूर कर सकता है, जल के खारेपन को दूर कर सकता है। ये दो तरकीबें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। और इतना बड़ा कैंपस में वह चमत्कार देखने को मिल रहा है। आज गाय केवल दुग्ध देने, दूध देने तक ही सीमित नहीं है, इसको हम नेचुरल फार्मिंग से भी जोड़ सकते हैं। मैंने देखा था, आपने इस बार देखा होगा, बरसात एक महीने लेट चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां पे
फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग हुआ है। अंतिम बरसात पड़ने पर जो नवंबर प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ था, 8-10 दिनों तक लगातार बारिश पड़ती रही, उस फसल को नुकसान हुआ। लेकिन जहां पर नेचुरल फार्मिंग से जीवामृत और घनामृत का उपयोग करके जहां पर किसान बंधुओं ने, प्रगतिशील किसानों ने या इनिशिएटिव लिया, वहां पर फसल को नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छी फसल वहां पर चल रही है। और इसके लिए धरती की शुद्धि के साथ साथ फसल की शुद्धि भी और अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ ही हम भारतीय नस्ल के देसी गोवंश से तमाम प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं, उनके गोमय से, गोमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। आज उससे सीएनजी भी बन रही है, इसी मथुरा में एक प्लांट लगा हुआ है, इस्कॉन को जाके देखना चाहिए। वहां पर आज बदायूं में भारतीय नस्ल के गोवंश के गोबर से और गोमूत्र से पेंट का निर्माण भी हो रहा है। पहले भारत के अंदर हर परिवार अपने घर की पुताई गाय के गोबर से ही करता था, शुद्ध माना जाता था। आज उससे पेंट बन रहा है, पेंट से पुताई करेंगे तो और प्रभावी होगा। और डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा तो स्वयं ही एक वैज्ञानिक हैं, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर भी हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि इस शोध को अगर वे आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा, बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता और रिस्पॉन्स जैसी संस्थाओं को इस दिशा में लीड करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य हो रहा है, इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। आपका ये जो प्रयास है अभिनंदनीय है, लेकिन यहां जितनी खेती हो वो खेती केवल हम प्राकृतिक पद्धति से करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर विशेष जोर दिया है, देश के अंदर इसका बोर्ड बन चुका है, राज्य सरकार के अंदर इसका बोर्ड बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुका है, प्राकृतिक कृषि बोर्ड। हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं, अन्नदाता किसानों को इंसेंटिव दे रहे हैं, हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा आप सब भी इसके साथ जुड़िए, हर संस्था को जुड़ना चाहिए। शिक्षा, धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के साथ ही भक्ति वेदांत के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही हमें न केवल आस्था का सम्मान करना है बल्कि स्वावलंबन के मार्ग पर अधिक से अधिक लोगों को अग्रसर करने के समय भी हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और इस्कॉन जैसी संस्थाएं जब इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगी उसके परिणाम और अच्छे आएंगे। और मैं आह्वान करूंगा कि इस्कॉन इसको यहां पर इस बड़े कैंपस में इन कार्यक्रमों को चलाएगा तो उसके परिणाम और अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर से जो दुग्ध प्रोसेसिंग सेंटर यहां पर स्थापित हुआ है जिसमें दूध और दूध से बने हुए उत्पाद बनेंगे, इसके लिए मैं चाहूंगा पूरे मथुरा में इस्कॉन के माध्यम से अधिक दुग्ध उत्पादन संगठन बने, दुग्ध समितियों का गठन हो, उनको इस्कॉन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ अगर ये चलेगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण जिस गो सेवा के साथ स्वयं जुड़े हुए थे, जिसके कारण उनका नाम गोपाल भी पड़ा, वह सार्थक होता हुआ दिखाई देगा, सार्थक होगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस्कॉन को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, इस पूरे क्षेत्रवासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि यहां पर श्री कृष्ण और बलराम जी की इस भव्य मंदिर और प्रतिमा के लोकार्पण के साथ ही यहां पर मुझे दुग्ध प्रोसेसिंग सेंटर के भी लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक अच्छा प्रयास हुआ, इस प्रकार के सेंटर हर एक तहसील स्तर पर बना करके हम दुग्ध उत्पादन के साथ ही उसके वैल्यू एडिशन के माध्यम से
पशुपालकों और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिल सकती है और ग्राम स्वराज की परिकल्पना इस आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से प्रशस्त हो चुकी सकती है। इस कार्यक्रम के साथ हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं राज्य सरकार की ओर से इन्हें आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार का हर सकारात्मक कार्यक्रम के साथ पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ यहां पे आयोजित हुआ है। कल मैं यहां आया था, ब्रज रस से जुड़े हुए एक बड़े कार्यक्रम के साथ यहां पर भारत की फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों के साथ ही अनेक उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को अपने मंचन के माध्यम से अभिभूत किया, यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने एक कार्यक्रम रखा था जवाहर बाग में। आप अनुमान कर सकते हैं आज से 7 साल पहले जवाहर बाग में क्या हुआ था, और आज जवाहर बाग ब्रज के रथ के साथ जुड़ करके यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा रहा है। यह है लीडरशिप का प्रभाव। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। वो तो कृष्ण यहां ब्रज के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, थोड़ा प्रयास कुछ भी अच्छा करेंगे तो इंद्र भगवान थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, लेकिन हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। यमा जी आप अपने कार्यक्रम को जारी रखिए, आप पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी है, बनी रहेगी। आपका कार्यक्रम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, जो ब्रज के सांस्कृतिक वैभव को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके इस कार्यक्रम के लिए हृदय से आपको अग्रिम बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण यहां पर यहां के ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जुड़ करके प्रशासन, पुलिस, इस्कॉन जैसी संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर के ब्रज को उसकी पहचान के साथ जोड़ करके पूरे देश और दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अद्भुत केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद प्रकट करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।